Dear students, today we are going to discuss about the chapter Matter in Our Surroundings. In this chapter, we learn about the matter and kinds of matter and what we understand by matters and characteristic of matter. At first, if you want to know about the matter, in previous time, we know that matter are made of fire, water, earth, sky, air. अगर यदि पुराने फिलोसफर के बारे में जानेंगे, दार्शनिक के बारे में जानेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि पांच तत्वों से मिलकर पहले बना हुआ था। लेकिन अगर यदि मॉडर्निटी में जाएंगे, तो ये इसका क्लासिफिकेशन दो भागों में दो में डिवाइड हो जाता है। एक जो फिजिकल में हो जाता है, सेकेंड जो है वो केमिकल में हो जाता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्योंकि भी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर क्या है। अगर यदि साधारण में अगर यदि जानना चाहेंगे कि अगर हिंदी में मैटर इज अ काइंड ऑफ पदार्थ, एक पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। लेकिन अगर यदि इसका हम लोग डेफिनेशन अगर जानना चाहेंगे तो क्या है मैटर, मैटर मैटर इज एनीथिंग space and have mass which called example for a four chair it is even element are also a matter and gases are also a matter, but if you want to know about the classification of matter, then classification of matter, it is classified in two types, physical classification and chemical classification. Matter is anything occupy a space and have mass called matter. मीटर लोग उसी को कहते हैं जिसके अंदर स्पेस होता है और उसका मास भी होता है, उसी को हम लोग मीटर बोलते हैं। एग्जांपल फूड, चेयर, ये सारे क्या है, मीटर है। और भी जितने भी चीजें हैं वो मीटर है, यहाँ तक इवन गैसेस आर मीटर एंड इवन एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल आर मीटर। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मीटर इन फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन इन मॉडर्न टाइम, in modern theory. But now we are going to discuss about physical classification. Physical classification. Physical classification. In physical classification, solid, liquid, and gas. And other chemical classification. Chemical classification, element, mixture and compound. Physical classification is solid, liquid and gas. Chemical classification is element, mixtures and compound. Now we have to learn about the characteristic of
meter, which is very important. First, particles of meters are very, very small. Such that we take one beaker, for example, we fill water in this beaker. And KMnO4. So which color in purple? If dilute means fill more water. Again, dilute. And continuously we start to dilute, then we get the color of water change into blue. Change into pink. Then we learn from this example ki after dilute water color of water became faded, and lagatar hum dekhte hain ki ye kya ho jata hai, faded ho jata hai. Jaise bhi ki hum samjhte hain, sabse pehle meri kya hai, we took a beaker, एक मैंने beaker लिया जिसमें जल डाले, इसके बाद मैंने potassium permanganate, KMnO4 मतलब potassium permanganate, जिसका color क्या है, purple है. तो इसको मैंने क्या किया, फिर इसमें हमने क्या किया, उसको volume को बढ़ाते गए, volume को बढ़ाने के बाद हमने क्या पाया कि इसका जो color है वो pink में change हो गया. तो ये first example से हमने क्या समझे कि particles of matter are very, very small. ये काफी छोटा होता है और जैसे जैसे आगे जाता है वैसे वैसे चेंज करते जाता है. अब हम तो सेकेंड में पाएंगे नाउ वी मूव फॉर सेकेंड एग्जांपल. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग अ स्पेस मीन जितने भी जो पार्टिकल्स होता है मैटर, उसके अंदर क्या स्पेस का पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है. एग्जांपल फॉर अगर देखा जाए कि अगर यदि हम वी टेक बिगर इन विच वी फिल वाटर, देन वी गेट दैट. तो हम लोग इससे पाते हैं कि वी कैन से दैट, कह सकते हैं कि इसमें वाटर है. सबसे पहले वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है कि हमने शुगर डाल दिया, ठीक है. अब हमने क्या देखें कि हम देख रहे थे उसकी जो धारिता था, वॉल्यूम था, उसको 10 मिलीलीटर था, ठीक है. लेकिन हमने क्या किए कि जो ही मतलब क्या है कि वाटर में शुगर को हम लोग क्या किए डाले, इसके बाद भी हमने 10 ml पाए. ऐसा इसलिए पाए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस होता है उसी में क्या होता है, शुगर का पार्टिकल्स होता है उसी में क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है. जिसके कारण से क्या है, 10 ml ये भी है और 10 ml ये. इसका मतलब हमने क्या समझे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस. जो पार्टिकल्स मैटर जो होता है, पार्टिकल्स कण होता है जो मैटर का, उसके अंदर क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है. अब थर्ड, नाउ वी आर गोइंग फॉर थर्ड एग्जांपल. पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटीन्यूअसली. और जो मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, कण जो होता है पदार्थ का, वो क्या करता है, कंटिन्यू मूव करते रहता है.
एग्जांपल 4 अगर यदि हम देखेंगे ठीक है, तो ये वाटर है और वाटर है तो एक कलरलेस है ठीक। अब क्या पाए कि कॉपर सल्फेट इसका कलर जो है वो फुल कलर का है, तो इसमें हमने क्या पा देख रहे हैं कि जो ही हमने क्या किए वाटर में कॉपर सल्फेट को मैंने फिल किया, तो फिल उसमें डालने के बाद हमने क्या पाते हैं कि इसका कलर जो है टोटल कलरलेस वाटर ब्लू कलर में हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स को जो मैटर है, मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यू क्या किया मूव किया, मूव करने के बाद मतलब क्या है फैल गया। इस तरह हम लोग कई सारे एग्जांपल्स को देखते हैं कहाँ पे, जब हम लोग घर में रहते हैं देखते हैं गर्म खाना बनता है तो हमको उसका गंध क्या है हमारे पास आ जाता है, उसका स्मेल हमारे पास आ जाता है। ये क्या है क्योंकि जो मैटर है, क्योंकि जितने भी चीज़ें हैं वो मैटर है। मैंने शुरू में ही बताया था कि जो गैसेस होते हैं वो भी मैटर्स होते हैं और एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो भी मैटर्स होते हैं ठीक। और इसलिए क्या है कि हमने देखते हैं दूसरी और भी एग्जांपल देखना चाहेंगे तो अगरबत्ती है, अगरबत्ती आप देखते होंगे कि अगरबत्ती का अगर यदि स्मेल है काफ़ी दूर तक हो जाता है क्योंकि ये क्या होता है मूव करता है, वो लगातार मूव करते रहता है, इसलिए क्या है हम लोग पाते हैं। और अगर यदि हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, अगर यदि फॉर एग्जाम्पल देन फ्रॉम वी गेट, इसमें लोग क्या पाते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मेटल हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके पास क्या होता है अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन का एक बल होता है। एग्जांपल फॉर अगर यदि देखेंगे इसमें सॉलिड, इसमें सॉलिड में अगर देखेंगे अट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी क्लोज पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग है इसलिए सॉलिड है। फिर अगर देखें इसे थोड़ा सा अगर यदि कम पैकिंग मिलेगा क्लोज कम रहेगा उसको हम लोग लिक्विड में ले आते हैं, फिर अगर यदि बहुत ज़्यादा मतलब गैप रहेगा उसमें हम लोग गैस ले आते हैं। तो हम लोग फैन क्या कि ये मोर क्लोज रहता है लिक्विड से सॉलिड ठीक है, और लिक्विड से भी मोर क्लोज रहता है गैस से। तो हम लोग क्या पाते हैं कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा क्लोज जो होता है वो सॉलिड में होता है, इसके बाद लिक्विड में होता है, इसके बाद गैस में होता है ठीक है।